today's date is 10-8-2020 and we are discussing about the chapter of peasants and farmers yesterday we talked about the peasants and farmers how the sewing writers was cultivating the land and now we will discuss about the uh peasants and former how they started uh, it was started in 18th and 19th century in england first we have to discuss about the england but we have to discuss further about three countries also usa and uh, bengal so today's topic is about the modern uh, farming in the england over 18th and 19th century

तो हमने कल देखा कि जो स्विंग राइटर्स थे वो कैसे फार्म हाउसेस को बर्न करते थे या फार्मर्स के लैंड को बर्न करते थे जहाँ पे उन्होंने कोई भी कल्टिवेशन की होगी किसी भी क्रॉप्स की करी होगी तो वहाँ पे वो क्या करते थे उनको बर्न कर देते थे तो फिर हमने देखा धीरे 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 क्या हुआ कि ये न्यूमरस वेज़ में बढ़ने लगा धीरे धीरे इट वॉज़ गोइंग डे बाई डे इट वॉज चेंजिंग ड्रामेटिकली इट वॉज चेंजिंग तो न्यूमरस नंबर्स में अब फायर बर्न होने लगा फार्मर्स के कल्टिवेट uh, क्रॉप्स को बर्न करने लगे ये लोग फिर धीरे धीरे इन्होंने काम किया कि अब पहले तो ये लैंड्स uh, में कल्टिवेशन क्रॉप्स जो थे उनको बर्न करते थे उनको जला देते थे उसके बाद उन्होंने काम किया कि उन्होंने उसके बाद फार्म हाउसेस को भी जलाने लगा मीन्स जहाँ पे फार्मर्स रहते थे जहाँ पे उन्होंने अपने घर बनाए थे या फॉर्म्स में जैसे रहते थे वो लोग जहाँ पे फॉर्म करते थे वहाँ पे उनके हट्स वगैरह होते थे उनको भी जलाया ये हमने कल पढ़ा इसके बारे में फिर हमने कल पढ़ा कि 1998 पीपल्स को प्रिजन में डाल दिया गया उनमें से जो नाइन लोग थे उनको हैंग किया गया तो यह सब जो हमने पढ़ा तो इससे हमें ये समझ आता है था, आता है कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में फिर हमने पोस्टलिज्म पौशलि, के बारे में पढ़ा जो गुजर बकरवाल थे उनको कैसे मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न एरा में जगह नहीं मिली तो वैसे ही अब हम पेजेंट्स और फार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे इनका भी एक क्या है कि इनका भी कॉलोनियल रूल जब आया इनके भी यहाँ पे जब रूल्स शुरू होने लगे तो फिर इनके अंदर भी चेंज आने लगे इन इनके साथ भी मतलब एक हिसाब से हम कहेंगे कि गलत हो रहा था धीरे धीरे इनके साथ भी इनको इनके फार्मस को जलाया जा रहा था इनके फार्म हाउसेस को जलाया जा रहा था फिर जब फॉरेस्ट uh, गवर्नमेंट ने जो नई गवर्नमेंट थी वहाँ पे फॉरेस्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया उन्होंने कुछ जो मेन कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ा तो उनमें से कितने आ रहे थे नाइन्टीन नाइन्टी एट पीपल्स आ रहे थे अप्रोक्सीमेटली इतने ही आ रहे थे तो उनमें से नाइन लोगों को उन्होंने क्या किया हैंग कर करते फाशी की सज़ा सुना दी उनमें से सिक्स हंड्रेड समथिंग को उन्होंने सिक्स हंड्रेड फाइव और समथिंग अप्रोक्सीमेटली मुझे याद नहीं है इस वक्त उनको उन्होंने क्या किया कि उनको ट्रांसपोर्ट किया एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा और 465 पीपल को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर दिया और जितने भी रहते हैं वहाँ पे तो उनको प्रिजन में डाल दिया तो धीरे धीरे ये चेंज आने लगी फिर हमने देखा कि हमने पढ़ा कि कैसे ये लोग ये स्विंग राइटर जो थे जो कैप्टन स्विंग के नाम पर ये लेटर्स भेजते थे थ्रेट करते थे लोगों को तो फिर हम हमें ये पता चला उस चीज़ से कि ये लोग थे कौन जो मिथ इन्होंने मचा रखी थी जो इन्होंने मिथ बना के रखा था कैप्टन स्विंग के बारे में जो एक्चुअली में थे ही नहीं कोई तो कैप्टन स्विंग था कौन ये स्विंग राइटर्स थे कौन ये क्यों फॉर्म हाउस को जला रहे थे लैंड्स को कल्टिवेट लैंड्स को जला रहे थे ये हमें आगे आगे देखना है अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हमें जो एग्रीकल्चर मॉडर्न फील्ड जो इंग्लैंड में पहले आया हमें तीन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है इंग्लैंड यूएसए और बंगाल के बारे में

लेट एटीन सेंचुरी में और नाइनटीन सेंचुरी में क्या हो गया हो गया कि जो इंग्लिश कंट्री साइड जो कंट्री के आउटसाइड थे तो वो धीरे धीरे बदलने लगे ड्रामेटिकली चेंज आने लगी उनमें तो बिफोर दिस टाइम इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड कंट्री साइड वॉज ओपन एटीन और नाइन्टीन सेंचुरी से पहले जो बहुत सारे हिस्से थे इंग्लैंड के जो बहुत सारे हिस्से थे कंट्री साइड मीन्स आउटसाइड द कंट्री तो वहाँ पे क्या था वो ओपन रहता था खुला रहता था कोई परेशानी नहीं थी उनके वो कहीं पे भी कल्टीवेशन कर सकते थे कहीं पे भी फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे बट ये चेंज हो गया ये चीज़ ड्रामेटिकली फिर चेंज होने लगी इट वॉज ना पार्शन इंक्लोज लॉ लैंड प्राइवेटली ओनड बाई लैंड अब क्या होने लगा जो लैंड थी पार्सनल लैंड थी इंग्लैंड की तो वो अब कौन ओन करने लगे लैंड लॉड्स करने लगे पहले क्या होता था पहले कोई भी कहीं पे भी कल्टीवेशन कर सकता था अब धीरे धीरे यही चीज़ चेंज होने लगी अब प्राइवेट लैंड लॉर्ड्स आने लगे जिन जिन्होंने हक जमा लिया इस लैंड पे पीजेंट्स कल्टिवेट ऑन स्ट्रिप्स ऑफ लैंड्स जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया उन्होंने जो एक मतलब एक हिस्सा लिया कल्टिवेट करने लगे कहाँ पे लैंड पे ही करने लगे लेकिन स्ट्रिप्स ऑफ द लैंड लैंड के साइड में मीस लैंड के उन उनको थोड़ी थोड़ी जगह मिलने लगी लाइन्स की तरह उनको जगह मिलने लगी तो वो वहीं पर कल्टिवेशन करने लगे एंड द वलेज इन और वहाँ पर अराउंड द वलेज दिवडन और कहाँ पर करने लगे जहाँ पे वो जिस विलेज में रहते थे और उसके आस पास में ही वो लोग कल्टिवेशन करने लगे धीरे धीरे ये चीज़ बनने लगी क्योंकि प्राइवेट जो लैंड्स थे वो प्राइवेटली ओन कर रहे थे लैंड ऑर्ड्स और जो पीजेंस को के लिए जगह बची वो क्या थी स्ट्रिप्स ऑफ लैंड थी और वो कल्टीवेशन कहाँ कहाँ करते थे एक तो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करते थे और उस जगह पे करते थे जहाँ पे वो रहते थे तो उसके आसपास उसकी सराउंडिंग्स में वो लोग कल्टीवेशन करना शुरू कर देते थे एंड द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर एट ए पब्लिक मीटिंग ईच विलेजर वॉज अलाकेट ए नंबर ऑफ स्ट्रिप्स टू कल्टिवेट अब क्या होता था जब भी बिगनिंग आती थी ईयर की मीन्स नया साल शुरू होने लगता था एक पब्लिक मीटिंग होती थी पब्लिक गैदरिंग होती थी तो पब्लिक गैदरिंग में क्या होता था पब्लिक गैदरिंग में ये चीज़ डिसाइड की गई आ, करते थे वो लोग जो हेड ऑफ़ द विलेज होता था वो ये डिसाइड करता था कि किस मेंबर को किस विलेजर को कौन सी स्ट्रिप ऑफ लैंड हमें कल्टिवेशन के लिए देनी है तो आप इससे समझ सकते हो पहले ये क्या करते थे अपनी मन मर्जी के मुताबिक जहाँ पे उनको मन करता था चाहे ये विलेज में कल्टिवेशन करते या किसी को मन होता वो बाहर कल्टिवेशन करता है लैंडस ऊन नहीं की जाती थी कोई प्राइवेट ओनर नहीं था तब तक लैंड का तो लैंड्स क्या था ये खुली ज़मीन थी जहाँ पे जिसको मन करता था वो वहाँ पे कल्टीवेशन करता था क्रॉप्स को कल्टीवेट करके अपनी लाइफ सर्वाइवल भी करता था और इसका मार्केट में भी इसकी ट्रांसपोर्टेशन करता था अपने वेज लेता था अपने का, काम का पैसा लेता था तो उस चीज़ से वो अपना लाइवलीहुड चलाते थे अपनी फैमिली को चलाते थे अब जब प्राइवेटली ओन किया लैंड ने लैंड ने अपनी लैंड्स को प्राइवेट ओन किया तो अब पीजेंस को थोड़ी थोड़ी जगह मिलने लगी कल्टीवेशन uh, के लिए तो अब उससे क्या फ़र्क पड़ने लगा कि अब लोगों को एक विलेज मीटिंग करनी पड़ती थी गैदरिंग करनी पड़ती थी एवरी ईयर एक विलेजर को नई नई ज़मीन में नई नई स्ट्रिप्स पे जितनी भी लैंड्स थी उनको अलाट की जाती थी कितनी स्ट्रिप्स इसको देनी है किसी को दो किसी को चार किसी को वो डिसाइड होता था विलेज में एक पब्लिक गैदरिंग के बाद एक मीटिंग के बाद वो डिसाइड होता था कि किसको क्या कितनी लैंड देनी है किस टाइम के लिए अलॉट करना है कब तक वो कल्टीवेशन कर सकता है उस हिसाब से चलता रहता था तो इस हिसाब से अगर हम अपने हिसाब से सोचें तो इससे पीजेंट्स पे इफ़ेक्ट तो होगा ही उनकी लाइफ साइकिल पे उनकी जो वेजेस पे असर तो पड़ेगा जो वो मनी कमाते थे अगर वो पहले जब फ्रीली मूव करते थे फ्रीली कल्टिवेशन करते थे तब तो वो मे भी ज़्यादा कमा रहे होते लेकिन अब जब प्रॉपर वे में उनको मिलता था पर्टिकुलर थिंग मिलती थी एक स्ट्रिप्स मिलती थी आ, एक उनको क्या कर, करना पड़ता था वहीं पे कल्टीवेशन करनी पड़ती थी तो उनका सर्वाइवल थोड़ा टफ़ होने लगा ये हमने पोस्टलिज्म में पढ़ा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पहले कि जब पोस्टलिज्म था जब गुजर और बकरवाल्स की हमने बात करी या डंगर्स की बात करी तो वो क्या करते थे वो पहले उनको वो मर्जी के हिसाब से चले जाते थे समर्स में एक जगह पे जाते थे विंटर्स में शिवालिक हिल्स पे जाते थे अपने कैटल्स को ग्रेज करवाते थे फिर उसी से वेज लेके वही चीज़ वो अपने बच्चों को अपने आप के लिए रखते थे अपने जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे उनको डिफरेंट ग्रेजिंग ग्राउंड्स हुआ करते थे तो वो धीरे धीरे उनको भी लिया गया कॉलोनियल रूल में तो ठीक है ना कॉलोनियल रूल में उनको वो लिया गया तो जब कॉलोनियल रूल में हम उनको लिया गया था तो हमने वहाँ पे भी देखा कि उनकी लाइफ पे कितना इफेक्ट हुआ तो उनको क्रिमिनल ट्राइब तक करार दिया कॉलोनियल रूल में इंडिया में तो यही चीज़ें होती है कि जब कोई आप पे रूल करता है कोई जब आप फ्रीली नहीं कर सकते हो अपना काम तो धीरे धीरे क्या होता है अपनी लाइफ पे आपको इफ़ेक्ट होने लगता है ज़रूरी धीरे धीरे हो जाता है स्टेप बाई स्टेप ये चीज़ें हो जाती है तो तो अब पब्लिक मीटिंग्स होने लगी अब ईच विलेजर को एलोकेटेड हुआ नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स कितने नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स इसको कल्टिवेट करने के लिए दी जाएंगी यूजुअली दी स्ट्रिप्स वेरिंग क्वालिटी एंड ऑफ लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस तो धीरे धीरे अगर हम देखें तो ये स्ट्रिप्स वेरी करती थी क्वालिटी पे भी और प्लेस पे भी तो दे, आप देख सकते अगर पिछले हम uh, पास्ट ईयर की बात करें तो अगर मैं मैंने कोई ज़मीन ली है आपने कोई ज़मीन ली आपको स्ट्रिप्स दी गई है आपने वहाँ पे कोई कल्टीवेशन की नेक्स्ट ईयर यही लैंड कल्टीवेट करने के लिए किसी और को मिल गई आपको कोई और लैंड मिल गई वहाँ पे मे बी मे बी जहाँ पे आपको लैंड मिल रही है उन्होंने डिफरेंट क्रॉप्स की कल्टिवेशन की हो आपने डिफरेंट क्रॉप्स की कल्ट कल्टिवेशन की हो तो आपको उसको लें उस लैंड ले को फिर से चेंज करना है उस लैंड को फिर को फिर से उस लैंड को उस पोजिशन में लाना है कि आपको जो क्रॉप कल्टिवेट करना है तो वो आप कर पाए तो इससे क्या हुआ क्वालिटी ओवर क्वालिटी पे भी असर पड़ गया और प्लेस पे भी असर पड़ गया अगर आप अभी सपोज करो कि अभी आप अपने घर के पास में ही कल्टिवेशन कर रहे हो तो आप जब विलेज हेड्स ने आपको नेक्स्ट ईयर नई जगह दी तो नई प्लेस है फिर आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है वहाँ पे रहना है वहाँ पे अपनी जगह बनानी तो इस चीज़ से पीजेंट्स की लाइफ पे बड़ा असर होने लगा नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर एक दूसरे के नज़दीक में नहीं एक दूसरे के टच में नहीं अपने नेबर के टच में नहीं अपने विलेज के टच में नहीं कहीं दूर भी ये स्ट्रिप्स मिल मिलती थी तो क्या होता था काम अब बढ़ गया और काम बढ़ने के साथ साथ इनकी लाइफ पे इफ़ेक्टिव भी होने लगा इन कि जो जहाँ पे इन्होंने सर्वाइव किया था जहाँ पे ये रहना शुरू हो गए थे जहाँ पे इन्होंने एक साल गुजारा या दो साल गुजारे थे वहाँ पे ये कल्टीवेशन करते थे अब जब लैंड ने अपनी प्राइवेट लैंड्स को ओन करना शुरू कर दिया प्राइवेटली ओन करना शुरू कर दिया तो पीजेंस को स्ट्रिप्स मिल गई तो स्ट्रिप्स और प्लेस चेंज होने लगी चेंज होने के साथ ये एक दूसरे के टच में तो नहीं रहते थे जब आपको स्ट्रिप्स चेंज होती है आपको कोई कल्टिवेशन के लिए लैंड दूसरी जगह मिली आपको वहाँ पर जाना है आपको अपनी फैमिली को भी सर्वाइव करना है अपने आप को भी सर्वाइव करना है आपको कल्टिवेशन भी करनी है तो ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्या होने लगी इफ़ेक्ट होने लगा इस चीज़ से द एफर्ट वॉज टू इंश्योर दैट एवरी वन हैड ए मिक्स ऑफ गुड एंड बैड लैंड तो ये इंश्योर किया गया ये चीज़ जहन में रखी गई ये चीज़ बताया गया कि अपनी जगह पे जो भी जिन्होंने भी ये रखा था जो लैंड हेड्स थे वहाँ पे या जो विलेज हेड्स थे उन्होंने क्या किया कि गुड और बैड जो लैंड है मतलब जो फर्टाइल लैंड है जो अनफर्टाइल लैंड है जो नॉन फर्टाइल लैंड है सॉरी तो जो फर्ट फर्टाइल लैंड है और नॉन फर्टाइल लैंड है तो उसको क्या करना है उनको मिक्सअप कर दिया उन्होंने गुड लैंड और बैड लैंड को मिक्सअप कर दिया तो मे बी अगर अराउंड हम हंड्रेड परसेंट की बात करें करेंगे तो हंड्रेड में से फिफ्टी बैड लैंड में आता था फिफ्टी गुड लैंड में आता था इन्होंने मिक्सअप कर दिया इस चीज़ को तो गुड लैंड और बैड बैड लैंड को जब इन्होंने मिक्स कर दिया तो उससे ओब्वियसली किन पे असर पड़ेगा पिजन्स पे ही असर पड़ेगा मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप पिछले साल कहाँ कहीं पे कल्टिवेशन कर रहे थे आपने कोई क्रॉप को ग्रो किया फिर उसकी अच्छे से उसका ख्याल रखा उस क्रॉप को फिर आपने मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया आप, आपको उससे वेजेस मिले आपने अपनी लाइफ को सर्वाइव किया तो जब आपको स्ट्रिप चेंज हो गई लैंड चेंज हो गई तो आपको ये भी नहीं पता कि गुड लैंड है कि, कि बैड लैंड है अगर बैड लैंड है तो आप मुश्किल में पड़ गए क्योंकि आपको उस पर ज़्यादा मेहनत लगेगी ज़्यादा काम करना पड़ेगा का। उसको उस लाइक बनाना पड़ेगा कि जो आपको क्रॉप कल्टिवेट करना है तो उस कल्टिवेशन के लिए आपको उस अगर आपको फॉर एग्जाम्पल लेवल आपका रहता है कि आपने कहीं पे कल्टिवेशन करनी है आपको गुड लैंड है तो आपको इजी हो जाता आपको काम करना आसान हो जाता आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती लेकिन आप गुड लैंड और बैड लैंड में मिक्सअप हो गया तो इससे क्या हो गया एक तो आपको ज़्यादा काम करना है और आपका टाइम भी स्पेंड हो रहा है मनी भी ज़्यादा स्पेंड हो रहा है तो आपको अर्न उतना नहीं हो रहा है आप लॉस में जा रहे हो तो इस चीज़ से धीरे धीरे पेजेंट्स को इफ़ेक्ट होने लगा तो हमने क्या पढ़ा आज आज हमने पढ़ा पेजेंट्स और फार्मर्स में जो मॉडर्न एरा में एग्रीकल्चर हुआ इंग्लैंड में ये इंग्लैंड की बात हम कर रहे हैं इंशाल्लाह हम कल इसका सब टॉपिक और पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना होगा हमें आप इसको अच्छे से ध्यान में रख के आप ये चीज़ नोट करके रखें और जो भी मैंने आपको बोला कि एक्टिविटी लॉग में आपके होते हैं जो आपके बुक्स में एक्टिविटी लॉग्स होते हैं वो आप पढ़िए उन पर एक असाइनमेंट नोट्स बना के रखें आप गूगल भी कर सकते हो गूगल के थ्रू भी पढ़ सकते हो अपनी बुक्स को भी अच्छे से पढ़िए तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इनशा टमारो वी विल डिस्कस द न्यू आ, वी विल डिस्कस द न्यू सब टॉपिक अल्लाह हाफ